हेलो एवरी वन आई एम अविनाश आई एम बैक विद अनदर वीडियो इन माई चैनल लिव फॉर फ़िज़िकल एजुकेशन तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एडेप्टिव और एडेप्टि फ़िजिकल एजुकेशन ये फोर्थ चैप्टर है फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सी डब्ल्यू एस एन सी डब्ल्यू एस एन मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सो एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है ये एक फ़िज़िकल एजुकेशन का पार्ट है uh, उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं या सी डब्ल्यू एस एन या दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक मॉडिफाइड फिज़िकल एजुकेशन का प्रोग्राम है तो आइए देखते हैं ये होता क्या है अ डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड रिदम्स ये क्या है एक ये डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का ये एक थोड़ा मॉडिफाइड प्रोग्राम है किसी का इसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट करने के लिए इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हो सकता है उसमें रिदम भी हो सकती हैं सूटेड टू द इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज़ किस चीज़ के आ, किस किसके अकॉर्डिंग उनके जो इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्ड उसके बेस पे वो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका इंटरेस्ट उन बच्चों की कैपेसिटी कितनी है उनकी लिमिटेशंस क्या हैं ऑफ़ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ और किन बच्चों के लिए डिसेबिलिटीज स्टूडेंट के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी हु मे नॉट सेफली और सक्सेसफुली एंगेज इन अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ये वो बच्चे हैं जो सक्सेसफुली अनिस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ पे उनके लिए कोई बैरियर ना हो तो ये उन दूसरे प्रोग्राम है जहाँ पे इनके लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो, तो इनके लिए एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जाता है अडेप्टि फ़िजिकल एजुकेशन इज़ द फिज़िकल एजुकेशन विच हैज़ बिन और चेंज एडेप्टिव फ़िजिकल क्या है एक ऐसा फिजिकल एजुकेशन है जिसको हमने अडेप्ट किया है या चेंज किया है सो दैट इट मे भी अप्रोप्रिएट ताकि वो सही हो फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन और किन के लिए सही हो डिटली एबल एज़ इट इज़ फॉर पर्सन विद विदाउट डिसेबलिटी जैसे ये विदाउट डिसेबलिटी वालों के लिए प्रोग्राम होता है सेम ये पर्सन विद डबलिटी के लिए भी ये प्रोग्राम होता है फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली स्पेशली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो अडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन है क्या है ये इस एक स्पेशली डिज़ाइन फिज़िकल एजुकेशन का ही प्रोग्राम है बट किसके लिए है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए तो आप ये कह सकते हो कि जो एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन है वो क्या है एक एक मॉडिफाइड प्रोग्राम्स है और किसके लिए है वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए नेक्स्ट क्या है एम्स ऑफ एडेप्टिव फ़िजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन का जो एडेप्टिव फ़िजिकल एजुकेशन है उसका एम क्या है इट्स एम इज़ टू हेल्प और एड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट अचीव फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ जो एम है एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन क्या है वो उनका एम कि जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो अचीव कर सकें मेंटल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ प्रपोर्शन टू देयर पोटेंशियल थ्रू स्पेशल प्रेन प्लान प्रोग्राम्स और किसके थ्रू जितनी उनकी पोटेंशियल है और उनकी पोटेंशियल कैसे निकलेगी जो हम स्पेशल प्लान प्रोग्राम्स बनाते हैं फिज़िकल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू सो so, जो उसका एम है उनका फिज़िकल मेंटल इमोशनल सोशल ग्रोथ होना और डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटीज उनके कैपेबिलिटीज़ गेप, के अकॉर्डिंग बनेंगी इट एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम सेफली एंड सक्सेसफुली इन अ लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट जो एरेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का वो दूसरा एम क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में अच्छे से कर सकते हैं सेफली करें एंड सक्सेसफुली करें विद अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मतलब उनके लिए कम से कम बाधा हो वो आराम से उस गेम में खेल सकें उसको इन्जॉय कर सकें तो ये किसका एम है एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन का नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन जो फ़र्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन्श्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स जो स्पेशल सर्विसेज होती हैं बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग उनकी जो सर्विसेज होंगी उसको मीट कर सकें अब वो उनको मीट कैसे करेंगे जब वो किसी फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे ताकि उनको अपनी जो भी नीड है आगे के लिए वो सक, उस उनको फ़ेस करनी पड़ सके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है डेवलप मोटर स्किल्स जब एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में जब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है उनकी मोटर स्किल्स मीस जो उनके रनिंग है सिटिंग है वॉकिंग है ये सब चीज़ें धीरे डेवलप होंगी जिससे क्या होगा उनको अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को करने में भी हेल्प मिलेगी इन्हान्स सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ़ इमेज जब एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में डिसेबल्ड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा वो अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिस वो सोच में हम कर सकते हैं बट वो लोग उसको परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता उनकी है उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनकी सेल्फ़ इमेज है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है बढ़ने लग जाती है इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस जब वो एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो उनकी इम्प्रूव होगी वो इम्प्रूव कैसे होगी डिफरेंट डिफरेंट जो वो फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में एक्टिविटीज़ करते हैं उसके थ्रू उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी इम्प्रूव होगी दैन इन्श्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फ़िज़िकल प्रोग्राम्स जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंश्योर करना कि ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में अगर जितना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल प्रोग्राम्स में उतने ही ज़्यादा उनके डेवलपमेंट होगी दैन नेक्स्ट है प्रोमोट स्पोर्ट्स शिप क्वालिटीज़ एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन का जो एक एम है ऑबजेक्टिव है वो क्या है इस्पोर्ट्स क्वालिटीज़ को प्रमोट करना जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उसमें तो वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं या उनके ग्रुप में और भी बच्चे होते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट सेम तो उनमें क्या होगी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होगी जिससे वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कोई उनको आ, कोई गेम खेलने के लिए सब एक साथ आ जाएंगे डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स गुड मैकेनिक्स मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो उनको नॉलेज है उस गेम की उनकी बॉडी की जब वो इन्वॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में उससे उनको मैकेनिक्स पता चलते हैं उनकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है उनके बॉडी का जो पार्ट है वो कैसे उनको हेल्प कर रहा है किसी भी एक्टिविटी करने में तो उनको इससे क्या है? है, मिलती है हेल्प मिलती है इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन एडप्टिव फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स उनको अपने जो सोशल एडजस्टमेंट हैं वो बच्चे ऐसे होते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की वो जल्दी से किसी का घुलते मिलते नहीं हैं लेकिन जब आप किसी फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के गेम्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो इससे क्या होगा आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हो जिससे क्या होगा आपका सोशल क्वालिटीज़ बढ़ने लग जाएंगी आप सोशली ईजिली एडजस्ट हो जाओगे जनरली आपने क्या दिखाओगे ऐसे बच्चे जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं हैं वो इंटरवोल टाइप रहते हैं बट विद द हेल्प ऑफ एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो अपने आप को सोशल क्वालिटीज़ में ला सकते हैं और सोशली एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्लूजन 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 मीन मतलब होता है जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड uh, स्टूडेंट्स दोनों एक साथ सेम रूफ के अंडर में एक साथ कोई एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं या पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन इट मीन सिंपल जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो जब डिसेबल स्टूडेंट के साथ कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं या एक ही रूफ के अंदर कुछ स्टडी uh, करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन इट इज़ एन अप्रोच टू एजुकेट बहुत नॉर्मल एंड स्टूडेंट्स विद डिसबल और विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स टूगेदर सेम है कि जब नॉर्मल स्टूडेंट्स और डिबल्ड स्टूडेंट्स दोनों एक साथ आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट्स लर्न वाइल शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस एंड इंटरेक्टिंग सोशली एंड अकेडमिकली इंक्लूसिव एजुकेशन मीन नॉर्मल स्टूडेंट्स और स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं वो तो जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं वो लोग सेम फिज़िकल स्पेस शेयर करते हैं इंटरेक्टिंग सोशली एंड एकेडमिकली इट मीन्स वो एक के रूप में जो भी एजुकेशन को दी जाती है वो साथ में पढ़ते हैं उस चीज़ को और इंटरेक्ट उनके बीच में इंटरेक्शन भी होता है सोशली एंड ये क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जब नॉर्मल स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड या डिसबल्टीज जब दोनों एक एक ही साथ पढ़ते हैं कोई ये गेम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन द नीड ऑफ इंक्लूज इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी तो फॉर सेल्फ स्टीम अब आपने मोस्टली क्या देखा होगा कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड होते हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा इंट्रोव uh, टाइप होते हैं वो जल्दी से किसी के साथ बात नहीं करते हैं वो जल्दी से किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इंक्लूजन होता है उस चीज़ में क्या है वो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट हाथ भी मिक्सअप होते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ मिक्सअप होते हैं इससे क्या होता है उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगी सेल्फ स्टीम इन्हांस होती है उनको भी ये लगता है कि हाँ हम भी इनके जैसे हैं हम भी ये चीज़ कर सकते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन जब नॉर्मल स्टूडेंट उनके साथ बात करेंगे तो उनको अच्छा फ़ील होगा और जब ये लोग भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बात करते हैं तो उनको भी बेटर फील होता है उनको ये नहीं लगता कि हमें भी कोई डिफरेंस है तो इससे क्या होगा उनकी जो सोशल स्किल्स है और बात करने का तरीका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सब इंक्रीज़ हो सकती हैं ग्रे, ग्रेटर सेंसिवटी नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर सेंसिविटी अब जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं तो जब वो नॉर्मल स्टूडेंट जब मिक्सअप होते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वर्ड्स uh, कैसे हर्ट करते हैं जैसे उनको हर्ट होता है इससे क्या है नॉर्मल स्टूडेंट को भी हर्ट हो सकता है तो उनमें सेंसिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है दैन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जब दोनों स्टूडेंट साथ बैठते हैं साथ में खेलते हैं तो उनको एक दूसरे की कमियाँ पता चलती हैं स्ट्रेंथ पता चलते हैं जिससे क्या होता है वो एक दूसरे के डिफ्रेंस को समझ सकते हैं अब जो जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेंथ को भी समझते हैं उनकी वीकनेस को भी समझते हैं इससे क्या होता है कि उनको ये फील नहीं होगा कि हम में ही कोई वीकनेस है नॉर्मल स्टूडेंट्स में भी है देन फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देन इसमें क्या है कि जब डिसबल्ड स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ जब एजुकेशन लेते हैं या कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खेलते तो उनको थोड़ा अपनापन सा होता है अपना बिलोंगिंग जैसा लगने लग जाता है क्योंकि वो दिन भर उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप जो अच्छे हेल्दी रिलेशन्स हैं जो एक दूसरे के साथ वो बात करते हैं शेयर करते हैं उनसे थोड़ा उनका अपनापन लग जाता है नेक्स्ट है हायर एकेडमिक अचीवमेंट इस जो नीड है इम्पोर्टेंस है इसमें यह है कि रिसर्च भी ये बताती है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी थोड़ा हाई हो जाती है अगर आप कंपेयर करें एक्सक्लूसिव एजुकेशन से मतलब कंपेयर करें आप नॉर्मल स्टूडेंट से तो विद द हेल्प ऑफ इंक्लूजन उनकी क्या है जो अचीवमेंट होती है अकेडमिक अचीवमेंट वो बहुत हाई हो जाती है नेक्स्ट है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर सी डब्ल्यू एस एन विद स्पेशल नीड्स जो वेरियस प्रोफेशनल हैं उनका क्या रोल है तो फर्स्ट यहाँ पे स्कूल काउंसलर जो स्कूल काउंसलर होता है वो एक एज ए स्पेशलिस्ट वर्क करता है स्टूडेंट uh, के साथ स्पेशल नीड स्कूल्स में और जो स्कूल काउंसलर होता है वो एक मेम्बर होता है एजुकेशन टीम का जो एक वैल्यूएबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को ये जो स्कूल काउंसलर्स होते हैं वो डिसेबल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके एकेडमिक गोल्स के लिए क्या उनके आगे एकेडमिक गोल्स होंगे सोशल एंड पर्सनल कैरियर डेवलपमेंट उनका सोशल डेवलपमेंट कैसे करना है पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है कैरियर में डेवलपमेंट कैसे करना है ये सब रोल किसका होता है स्कूल काउंसलर का और जो स्कूल काउंसलर होते हैं ये जो टीचिंग स्टाफ है उनको भी हेल्प करते हैं उनको असिस्ट करते हैं गाइड करते हैं कैसे स्ट्रेटजीज़ बनानी है हमने ताकि जो हम स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट कर सकें उनके जब कोई उनको अगर एनजाइटी है चिंता है या कोई पेन है उसमें हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकें तो ये सब काम किसका होता है स्कूल काउंसिलर का जो स्कूल काउंसलर्स हैं ये क्या करते हैं ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बनाते हैं कैसे बच्चों का जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेस को मैनेज करना है कैसे उनके गुस्से को मैनेज करना है जिसको हम एंगर मैनेजमेंट बोलते हैं या उनके बीच में कोई मतभेद हो गए हैं बच्चों के बीच में कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे उनको पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करना है तो ये सब काम किसके हैं स्कूल काउंसिलर का नेक्स्ट जो प्रोफेशनल है वो है फिजियोथेरेपिस्ट अब जो ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं इनका काम क्या होता है उनके बॉडी मूवमेंट को चेक करना वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको हेल्प करना उनकी बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट करने में उनकी जो मसल्स हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, है। जो उनके मसल्स को इफ़ेक्ट कर रही है उनके बोन्स को इफ़ेक्ट कर रही है उनमें जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का और लंग्स में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सब काम किसका देखना होता है फिजियोथेरेपिस्ट का उनका जो पर्टिकुलर अटेंशन होता है वो किसी पर फिजिकल मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब होता है कि वो इजीली मूव कर पा रहे हैं फ्रीली मूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनका जो बॉडी बॉडी का जो बैलेंस पोस्चर है वो ठीक है या नहीं है फटी उनको थकान जल्दी तो नहीं हो तो रही है पेन तो नहीं हो रहा है अपने बॉडी में ये सब वर्क किसका होता है देखना फिजियोथेरेपिस्ट का वो इसमें अलग अलग तरीके के मसाज भी इन्वॉल्व करते हैं जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी मतलब जो हाइड्रोथेरेपी मीन्स जब पानी के विद द हेल्प ऑफ वाटर उनको कोई एक्सरसाइजेस करवाते हैं उस बॉडी पार्ट को मूव करने के लिए हेल्प करने के लिए और इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब जब इलेक्ट्रिक वेव्स दी जाती हैं कोई बॉडी पार्ट को मूव करने के लिए तो ये सब काम किसका होता है फिजियोथेरेपिस्ट का नेक्स्ट जो प्रोफेशनल है वो है ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो इनको हेल्प करते हैं कैसे उनको अपनी सेल्फ केयर की चीज़ों को केयर करना है जैसे उनको खाना कैसे खाना है ड्रेसिंग उनको कैसे करनी है बाथिंग कैसे करनी है ब्रश जब वो ब्रशिंग करते हैं सुबह तो कैसे उनको करना है इट मीन्स उनकी जो फ़ाइन मोटर स्किल्स है जहाँ पे उनकी थोड़ा लार्ज मसल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही है वो सब चीज़ें कैसे वो परफॉर्म करेंगे तो ये सब काम किसका देखने का होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इसमें और ये इनको हेल्प भी करते हैं कैसे पार्टिसिपेट करना है प्ले वाली खेलने की चीज़ों में कैसे इंट्रैक्ट करना है वो इसमें हेल्प करेंगे uh, कैसे रेगुलर स्कूल जाना है उसमें ये इनको हेल्प करते हैं Uh, कैसे लिखते हैं क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सब काम किसका होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कैसे उनके हैंड रॉइटिंग को मैनेज करना है कैसे बच्चा कोई जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं कोई ऑब्जेक्ट को वो जब पकड़ते हैं रिलीज़ करते हैं या किसी टॉय को वो पकड़ रहे हैं रिलीज़ कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेशन होता है उनके बॉडी में जो आइज़ का कोऑर्डिनेशन है हैंड का कोऑर्डिनेशन है इसको इम्प्रूव करना या मैनेज करना या किसी बॉल को वो हिट कर रहे हैं तो इसको ये भी सब जो भी चीज़ें हैं तो उसको कौन मैनेज करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नेक्स्ट जो प्रोफेशनल है वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेन एम है फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो रोल है वो क्या है उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करना उनकी बॉडी में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है कैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ एंडोरेंस कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी कैसे उनके हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करना है इम्प्रूव करना है विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो ये सब काम किसका होता है फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का इसके साथ साथ जो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो उनको ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी जो एनजाइटी है जो चिंता है उनकी जो स्ट्रेस है जो टेंशन है डिप्रेशन है वो सब रिमूव हो सके उनको बहुत सारी जो रिक्रिएशनल गेम्स होते हैं जिससे उनको आ, टेंशन दूर होती है उनकी ऐसे एक्टिविटीज़ में कैसे उनको पार्टिसिपेट कराना है कैसे उनके लिए कोई प्रोग्राम्स बनाने हैं ये सब काम किसका होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का नेक्स्ट जो प्रोफेशनल है वो है स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट मीन जो बोलने से रिलेटेड है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनका क्या होता है को उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सपोर्ट करना केयर करना उन बच्चों की स्पेशल नीड बच्चों की या डिसेबल स्टूडेंट की जिनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी कम्युनिकेशन के स्किल्स कम है ये जो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं बात नहीं कर पाते हैं तो ये जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं ये स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि उनको उनके अंदर एबिलिटी आ सके कि वो कम्युनिकेट अच्छे से कर सकें या कोई लैंग्वेज को ईज़िली समझ सकें या कोई स्पीच दे सकें इसके साथ साथ जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जिससे उनकी बात करने का तरीका चेंज होकर हो, हो जाए कोई बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत वर्ड्स को लंबा खींचते हैं बिल्कुल लॉन्ग खींचते हैं कोई बहुत शॉर्ट बोलते हैं या कोई बार बार वर्ड्स को रिपीट करता है या इनकरेक्ट बोलता है तो उए, ऐसे बच्चों को जो ठीक करते हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं जो डिफरेंस आ रहा है इस चीज़ को ठीक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्पीच थेरेपिस्ट जो लास्ट प्रोफेशन है वह नेक्स्ट लास्ट है वो है स्पीच एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे क्या होगा ये स्पेशल एजुकेटर तो जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनका जो मेन काम होता है क्या होता है एक तो उनके लिए करिकुलम बनाना उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बनाना जो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम उनके लिए करिकुलम अप्लाई करना उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटीज़ को बनाना और जो स्पेशल एजुकेटर है उनका काम क्या होता है कि रिस्पॉन्सबिलिटीज़ स्टूडेंट्स की या डिसेबल स्टूडेंट्स की उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो नॉलेज कैसे अक्वायर करें अप, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और सेंसेस के थ्रू ये काम किसका होता है स्पेशल एजुकेटर का कैसे उनके जो फ़िज़िकल स्किल्स उनको इम्प्रूव करना लर्निंग थ्रू प्ले वो खेल खेल के कैसे सीखें कम्युनिकेशन, उनकी सोशल जो कॉमन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना इमोशनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है मेंटल एबिलिटीज़ हैं फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है इमोशनल एबिलिटी है, है उसको इन्हांस करना इंक्रीज़ करना सो दीज़ आर वर्क ऑफ स्पेशल एजुकेटर सो आई होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें